चलो भाई छोटे उस्ताद आए हमजा इधर सलाम करा करो घुसते ही पहले साहब को है। अभी यहीं रख दूं छोटे उस्ताद अभी आप यहीं बैठो क्योंकि आप लड़ोगे ठीक है। ये लो हाँ ये देखें ये देखें दोस्तों बाहर मुवालिक में जो चुटकियों वाला डांस होता है ना वो पता नहीं चुटकियां बजा बजा के करते हैं ये वो वाले डांसर भी हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों सेटअप पर आ गए हैं बाकी खाना पीना तो हमदा ने स्टार्ट कर भी दिया जल्दी जल्दी में। मैं जब तक इसको लेने गया था अपना जो हमारा छोटे उस्ताद हैं क्योंकि उसको दोस्तों हम ड्राइंग रूम में रख रहे हैं और जब तक ठंड थोड़ा प्रेशर अभी तक तो हम ड्राइंग रूम में रखेंगे जब तक इसका कोई सही से हिसाब किताब नहीं बनता पिंजरेगा। तो ला यार आप प्याला दे दें अपना आपको खाना डालना है चलो चलो अंदर अंदर अंदर। अरे काटती हो हीरोइन छोटी सी तो यार बड़ा गंदा काटती है ये भी मारी ना उसी के साथ करा दूंगा मैं शादी समझ गई तुम उसके साथ ही सेट रहोगी छोटे डॉन को ना फिर छोटा डॉन अकेला रह जाएगा बेचारा। ये लो अंदर साफ हो गया यार ये प्याला पहले। तो यार बीमार वाला हमारा जो मुर्गा है उसका प्याला लेके उसको भी दाना डाल देते हैं। लाओ भाई प्याला दो वे काटोगे सारे के सारों को दोस्तों काटने की आदत है ये देख लाओ दे दो। तो ये लो भाई छोटे दोन आपका खाना। तो यार इसको भी दे देते हैं दोस्तों अपने काले आले को। ये लो भाई अरे रुक तो जा यहाँ से ही खाना शुरू कर दिया गर्दन निकाल के इधर से कहा लगे बंदे पूरी गर्दन बसा के बैठा हुआ है। तो यार दोस्तों ये जल्दी से सेट हो जाए यार इसकी गले में बहुत ज़्यादा खराश है बस जैसे ही सेट होता है ना यार फिर हम इसको सेटअप पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इसके हवाले से तो दुआ करें आप लोग कि जल्दी सेट हो तो इसको हम शिफ्ट करते हैं सेटअप पर। तो यार जैकी को भी खोल दिया दोस्तों हमजा ने जैकी जैक और जैनी को इनके बच्चों को भी खोलना था बच्चों को भी खोल ही देते अब तुमने उन्हें भी खोल लिया था कलमन यार इनको भी खोल दूँ मैं बच्चों। यार एक चीज़ दोस्तों मैं बताना भूल गया आप लोगों को इनके जो छः बच्चे हैं ना उनमें से दो बच्चे हैं हमारे से एक दोस्त ने मांगे भाई का दोस्त है वो बोल रहा है यार आपके पास अच्छे खासे बच्चे हैं तो यार दो बच्चे मुझे दे दो। तो देखता हूँ दोस्तों अगर उसने लेने हो फिर उसके बाद उसने बात नहीं करी भाई ने मेरे से कि यार वो पता नहीं कब मैंने बोला बताओ तो लेंगे या नहीं तो उन्होंने बताया नहीं। अब हमदा ये देख पूरा खा गए हटा दे निकाली यार दोस्तों कितना बड़ा लगाया था पूरे का पूरा खा गए क्या हरकत है तुम्हारी ये नर है ये भी खाता है तीनों खा गए पूरे का पूरा पूरा घर रैबिट तबाह कर दिया हमारे इन्होंने जो हमने रैबिट हाउस बनाया था ना अपना इनका छोटा सा मड हाउस पूरा तबाह कर दिया। खैर बच्चों को देख लें यार माशाल्लाह यार बच्चे हमारे तंदुरुस्त हैं। हटो 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 ये पता है क्यों बैठी हुई है दूध पिलाने के लिए है ना ये दोस्तों दूध पिलाने के लिए बैठी हुई है तो मैं एक एक करके इन सारों को खोल देता हूँ माशाल्लाह चलो निकालो देखता हूँ मैं भी कैसे आते हैं। हाँ एक ही आया है बाहर बस हाँ तुम बोल रहे हो कहाँ आया अरे एक और आ गया भाई एक और आ गया चलो बाहर आओ यार आदत डालो अपनी। हमजा बोल रहा था दोस्तों पिंजरा थोड़ा उल्टा करा करो ताकि वो खुद बाहर आए वैसे ना फिर इनकी आदत नहीं बनेगी। तो हमजा ने ऐसे कहा क्या हुआ चलो एक एक करके निकाल लो आ रहे हैं चले यार दोस्तों सारे आ गए बाहर मैं इसको पीछे कर दूं ताकि इनको दूध पिलाने की जगह मिल जाए यहाँ। हसन देखो कैसे कब्जा लिया उसने अपने बच्चों को जेनी का जेनी को भगा दिया। सही है कहाँ जा रहे हो पिलाती रही हो। तो यार इधर आओ तुम पहले ये सब जुलूम है यार ये। मैं एक चीज दिखाऊं क्या जुलूम है एक बेचारी को कितने बच्चे भाई ये मैंने सुना है 12-12 बच्चे भी पाल लेते हैं और पता नहीं कितने भाइयों ने मुझे कमेंट करा कि भाई हमारे पास 12 बच्चे हैं किसी के ने 6 किसी के ने 7 किसी के ने 8। खैर ये सब बात छोड़ो भाई इसका हमने क्या बताया था याद होगा कि हमजा याद है ना बेच देंगे क्यों क्योंकि ये बच्चे नहीं निकालने। तो दोस्तों एक अंडा बचा था जो हमने रख दिया था इनका तो शायद ये बच्चा निकाल दें। तो यार वो मैं आप लोगों को एक चीज़ आज दिखाऊं निकाल के इसकी कि वो क्या चीज़ है वो चीज़ है दोस्तों इनका ये अंडा ये देखो भाई ले आओ। तो यार दोस्तों ये अंडा है और इसमें माशाल्लाह से क्रैक दिख रहा है पीछे आवाज़ आ रही है चू चू क्रैक दिख रहा है हल्का हल्का ये क्रैक ये रहा ये देखें दोस्तों ये क्रैक अगर दिख रहा है ये देखें ये क्रैक हुआ हुआ इसके तो माशाल्लाह से यार मतलब के इनका भी बेबी इसमें बना हुआ है और कल तक में शायद है निकाल देंगे ना कल तक में दोस्तों इंशाल्लाह इनका बेबी आ जाएगा और ये भी अम्मा अब्बा बन जाएंगे फर्स्ट टाइम बनेंगे हमारे घर पे क्योंकि दोस्तों जिन भाई ने हमें गिफ्ट दिया था हमारा सबसे पहले कबूतर गिफ्ट आए थे जो मुझे सबसे पहले गिफ्ट मिला वो ये कबूतर थे। तो जिन भाई ने दिया था ये नर मादा अलग से दिया था उन्होंने बोला था इनकी ब्रीड बिल्कुल नहीं हुई ये बच्चे हैं तो माशाल्लाह से इनका पहला बच्चा आएगा कल हमारे पास। अंडा रख दो हवा तो इंशाल्लाह हाँ अभी रख देते हैं भाई फौरन से। तो यार अब हमजा इन्हें हम नहीं बेचेंगे अंडा आ गया तो यार टकटक हो रही है हाँ तो तोड़ेगा ना तभी तो बोल लो नीचे रख दो चले हवा लगे इसको रख देते हैं। यार मुझे इसमें
वो हो रही है आहट महसूस हिलाने की। यार हमदा इन कबूतरों में मुझे एक चीज अच्छी लगती है, बताओ क्या? काटते ही नहीं भाई। मुझे पक्का लग रहा है कल बच्चा आ जाना चाहिए, लेकिन हमदा का इन्होंने नहीं तोड़ा ना तो यार बच्चा मर भी सकता है, मैं बता दूं। रात को अपन ना लाजमी दोस्तों हम देखते रहेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अंडा खुद नहीं तोड़ा ना तो बच्चा 100% मर जाएगा। क्यों? क्योंकि शैल पूरा नहीं टूटा इनसे, तोड़ देंगे कल का टाइम लेगा। ऐसे ये देखो जैसे कोई चीज लग रही है तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इन्होंने बना दिया। अब ये तोड़े हैं, देखते हैं कल तक का, वेट करते हैं हम और आप लोग भी वेट करें, मैं भी वेट करता हूँ। तो इंशाल्लाह सुनिए कल मम्मी डैडी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो कल का कंटेंट मिल गया भाई। मैं बोल रहा हूँ खा गया तकरीबन, इधर आओ। तुम बोल रहे थे ना शायद कम खा रहा है, ये देखो अच्छा खासा खा गया है। बाबू जो मोटी मोटी रोटी होती है ना वो छोड़ दी इसने। बाकी यार हमदा अभी बता रहा था कि हसन सेट हो गया बिल्कुल, अब इसको बीमार बीमार बोलना बंद कर दो तुम। तो मैंने चलो ठीक है यार बीमार नहीं बोलते। तो भाई एक बहुत जरूरी मिशन है दोस्तों, इसका प्याला निकालना। काटता ही है होशियार, तुम्हारे को मजाक लग रहा है? ये लो लाओ इसको खाना लाके, ये तो फेंको इसका, ये वहाँ फेंक देना तुम, खाना डाल के लाके दो। यार काट रहा दोस्तों, ये मजाक समझता और काटता भी वो हल्का फुल्का नहीं है, बहुत शदीद किस्म से काटता है। चलो भाई ये पिद्दे पिद्दे घूम रहे बाहर, अबे छोटे वाले भी बाहर आने लग गए भाई। इधर देखो ये क्या है, ये क्या हरकत है? ये देख ये रोटी के चक्कर में आ रही है, वो भी ऊपर चढ़े जा रहा है। ये देखो, नहीं नहीं मत खिलाओ। चलो बेटा चलो, ये देखना अभी देखते जाओ, ये देखना ये देख चढ़ गए इसके मजे लगे पड़े, पता नहीं क्या चाह रही है यार ये, इसको शुक्र है काटती नहीं है यार, इसको पता है। चलो आ जाओ, चलो जाओ भाई। यार एक काम करो, बच्चा तो दे दो तुम यार, मेरे मोबाइल पकड़ो लाओ। तो यार पता नहीं क्या है दोस्तों, ये देखें, नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत कम है रोटी, पराठा यार कम है। हम चीकू के लिए दोस्तों ये तैयार कर रहे थे रोटी उसकी, और ये जो है ना जैकी साहब भैया आके गोद में बैठ जाती है खाने को। क्या हुआ? अरे तेरी यार हमदा ये ऐसे बस थोड़ा और बड़ा हो जाए ना फिर ये सह जाएगा। क्यों? फिर दोस्तों मरने का डर नहीं रहेगा। लेकिन अभी यार इसके अच्छे खासे दाने हो गए। खैर चलो तुम उतरो बेटा, उसको खिलाना है मैंने। चलो देखूँ जरा मैं भी। हाँ यार दोस्तों अच्छे खासे दाने फिर आ गई यार। चलो मैं बेटा खड़ा ही हो जाऊँ ना यहाँ से, अब तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ। दिखाओ जरा अपने वह। हाँ यार अच्छे खासे दाने हो रहे हैं। चलो भाई तुम्हारे को खाना खिला के फारिग करूँ। हाँ भाई हो गया है, हो गया। हाँ यार पानी यानी पिला दिया, टेम कर लिया है, टेम कर लिया। अभी कहाँ से टेम होगा, ये दिखाओ हो ना, तुम तो बड़ी बातें कर रहे हो। टेम करूंगा वो करूंगा, तुम फोटा देखो तुम्हारा भाई फोटा कैसा फुल करता माशाल्लाह से। टेम ये देखो हो गया, ये बैठ रहा है, वो गिर जाएगा पीछे ऐसे ही। नहीं नहीं बैठ रहा, ये नहीं नहीं गिर जाएगा, बीट कर दी करने दो साहब, कर दी। हाँ कर देगा कल मंद, ये बैठा रहेगा। अब ये टेम किसी को टेम बोलते हैं, गिरेगा पीछे। पता है वो कजन नहीं अपने जिनका मैंने सेटअप दिखाया था दोस्तों, उन्होंने एक कबूतर रखा है टेम फुल, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना तोड़कर आ रहा है खाने के लिए, तो खाने के ऊपर आता है, तो मुझे भी इसको ऐसे टेम करना है, कैसे करूंगा मैं? तुम मेरे को गाइडलाइन करो, तुमने इतने पाले क्या कर रहा है जिंदगी में? अभी तो रखो इतने कबूतर इसने पाले हैं। यार कमेंट में लाजमी बताएगा दोस्तों जो क्या हमारे जो पापोश कबूतर हैं उनका बच्चा जो बेबी है वो आएगा या नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। चलो भाई अंदर करते हैं दोस्तों जिनकी पिटाई हो जाए। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। डरते देखें कैसे, और ये भागे सारे।